सोशल मीडिया पर इन दिनों एक युवती का ट्वीट जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसमें लड़की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और एक्टर सोनू सूद को ट्वीट करके खुद को बचाने के लिए मदद मांगी है। दरअसल तान्या शर्मा नाम से युवती का ट्विटर अकाउंट है, उसने अपने ट्विटर पेज पर लिखा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरे सपने टूट गए, जबरदस्ती मेरी शादी करा दी गई, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे बचा लीजिए। इस ट्वीट के बाद महिला और बच्चों के खिलाफ होने वाली प्रताड़ना को रोकने का काम करने वाली टीम ने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला है मामला कांकेर जिले के अंतागढ़ का है। ट्वीट करने वाली युवती का नाम तान्या शर्मा है और उसका असली नाम तरुणा शर्मा है। इसके बाद टीम ने कांकेर के सखी वन स्टॉप सेंटर और अंतागढ़ पुलिस को पूरी जानकारी दी। शनिवार को अंतागढ़ पुलिस नवविवाहिता के घर पहुंचकर उसे वहां से सुरक्षित निकाला। इसी बीच खुलासा हुआ कि अंतागढ़ का परिवार जिस युवती को बहू बनाकर अपने घर लाया है, वह महिला तो पहले से ही शादीशुदा है और वह अपने पहले पति के पास जाना चाहती है। फिलहाल उसे कांकोर के सखी सेंटर में रख दिया गया है, जहां रविवार को उसे वापस ले जाने के लिए उसके दूसरे पति पहुंचा, लेकिन युवती ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। इस पूरे मामले की शुरुआत राजस्थान के छोटे से गांव बालासेर जिला जोधपुर से होती है, जहां सुरेंद्र सांखला और तरुणा शर्मा गाँव की प्राथमिक शाला में पढ़ते थे। इस बीच दोनों में पहले दोस्ती हुई और फिर एक दूसरे को पसंद करने लगे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद जनवरी 2023 में लड़की और लड़का दोनों घर से भाग कर उन दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। युवती के पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। करीब 10 दिन बाद दोनों की तलाश करके उन्हें बालासेर थाने लाया गया। यह बयान दर्ज कराने के बाद दोनों को अलग अलग कर दिया गया। फिर लड़की के पिता ने करीब एक महीने पहले कांकेर के अंतागढ़ में जितेंद्र जोशी से बेटी की दूसरी शादी करा दी। बेटी के प्रेम विवाह की जानकारी भी जितेंद्र उसके परिवार को नहीं दी गई थी। युवती के अनुसार उसे पिछले 5 माह से उसके परिवार ने राजस्थान और गुजरात के अलग अलग शहरों में कैद कर रखा है और उसके पास न तो मोबाइल है और न ही उसे किसी से बात करने दिया जाता है। दबाव डालकर पहले राजस्थान में एक युवक से सगाई करा दी गई थी, लेकिन वह अपराधी प्रवृत्ति का निकला। युवती का यह भी कहना है कि बाद में अप्रैल में रायपुर लाया गया, यहाँ किसी रिश्तेदार के माध्यम से अंतागढ़ में जितेंद्र नाम के युवक से उसकी शादी करा दी गई। इधर जितेंद्र का परिवार भी शादी के लिए राजी हो गया, जिसके बाद 1 मई को उसकी शादी करा दी। इसके बाद वो कैद हो गई, यहाँ उसे प्रताड़ित किया जाता है। वहीं युवती ये भी कहती है कि शुक्रवार को मुझे इलाज के लिए रायपुर लाया गया, इसी बीच मैंने अस्पताल में एक अनजान युवक से मोबाइल मांगकर अपने पहले पति के नंबर पर मैसेज भेजा और ट्वीट के जरिए प्रताड़ना की शिकायत की। वहीं तरुणा शर्मा ये भी कहती है कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, दोबारा शादी के लिए परिवार ने दबाव बनाया है, बिना किसी दबाव के राजी खुशी शादी कर रही हूँ, यह साबित करने बालासेर में पुलिस भी बुला ली गई, कागज पर हस्ताक्षर कराए गए, मुझे 5 माह तक कैद करके रखा गया, अब मैं अपने परिवार के पास और नहीं अंतागढ़ जाना चाहती हूँ, मेरा परिवार मेरे लीगल पति को भी यहाँ आने नहीं देगा जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, उसे भी धमकी देकर उसे पूरी नजर रखी गई है। मेरे दूसरे पति को जब मैंने जानकारी दी तो वो मुझे कभी बहन तो कभी आंटी कहता था, उसने मोली के रूप में राखी भी बनवाई, अब मेरी नारी निकेतन जाना चाहती हूं, इसके बाद अपने पहले पति के साथ जाना चाहती हूं। इधर राजस्थान निवासी युवती के प्रेमी और पहले पति सुरेंद्र साखला ने कहा, तरुणा शर्मा उसकी बचपन की मोहब्बत है, बचपन से एक साथ पढ़ाई की है और खेले कूदे हैं, वह हर स्थिति में मुझे स्वीकार है, मैं उसे अपने पास रखूंगा, मैंने उससे लीगल शादी भी की है। वहीं इधर दूसरे पति जितेंद्र शर्मा ने कहा, युवती उसे तरह तरह से ब्लैकमेल करती थी, उसने कांच की चूड़ियां खा ली, उसका दिल रखने के लिए मैंने उसे मोली भी बनवा ली थी, मैंने उसे कभी बहन या आंटी नहीं कहा, मुझे फंसाया गया है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, शादी नहीं करने के लिए एक बार अगर वो बोल देती तो मैं जबरदस्ती शादी नहीं करता, पहले मेरे लिए कई रिश्ते आए लेकिन समाज की लड़की नहीं मिलने से शादी नहीं की, जब समाज की लड़की मिली तो शादी कर ली, मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। वहीं सखी वन स्टाफ सेंटर प्रभारी प्रीति तिवारी बताती है कि इस प्रकरण में हमें मीडिया को कोई जानकारी नहीं दे सकते, ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अंतागढ़ पुलिस ने लड़की को यहाँ पहुँचाया है। वहीं अंतागढ़ के प्रभारी का कहना है कि रायपुर से सूचना के बाद सखी सेंटर की सूचना पर अंतागढ़ में युवती को घर पहुंचकर उसे वहां से लाया गया है, फिलहाल उसे सखी सेंटर कांकेर में रख दिया गया है।